आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। गोवा में गर्जे अमित शाह, बोले राहुल बाबा सुन ले, कर्नाटक में बीजेपी बहुमत की सरकार बनाएगी। अतीक अशरफ मर्डर में अनिल विज की एंट्री, बोले पुलिस ने हमलावरों को पकड़ा, अब कह रहे हैं गोलियां क्यों नहीं मारी। अतीक अशरफ की हत्या के मामले में दूसरे दिन भी शहर पश्चिमी में चौकसी बढ़ाई गई, दूसरे दिन भी इंटरनेट सेवाएं रही बंद। बुलंदशहर में निकाय चुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू, अधिकारी चंद्र प्रकाश सिंह ने जारी की सूचना। यूपी में एनकाउंटर को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका, सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई जनहित याचिका। देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का, रुख करते हैं खबर की ओर। बुलंदशहर में तृतीय चरण में होने वाले निकाय चुनाव 11 मई को मतदान होंगे। 17 अप्रैल से शुरू होने वाले नामांकन प्रक्रिया 24 तारीख तक चलेंगे। वहीं जिला निर्वाचन अधिकारी चंद्र प्रकाश सिंह ने निकाय चुनाव के लिए सार्वजनिक सूचना जारी की। हमें मिली जानकारी के मुताबिक 17 से 24 अप्रैल तक नामांकन होगा और 28 को चुनाव चिन्ह का आवंटन किया जाएगा। माफिया अतीक अहमद और अशरफ की हत्या के बाद बस्ती में पुलिस अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। पुलिस अधीक्षक गोपाल कृष्ण चौधरी ने प्राइम टीवी से बात करते हुए प्रयागराज में हुई घटना को लेकर बताया कि बस्ती जिले के प्रत्येक थाने को सख्ती के गश्त करते हुए अराजक तत्वों पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही उन्होंने निकाय चुनाव को लेकर कहा कि थानों की गश्त बढ़ाई गई है, फिलहाल बस्ती में कानून व्यवस्था ठीक है, अफवाहों पर ध्यान नहीं दिया जाए और अफवाह फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। प्रयागराज की घटना को देखते हुए पूरे जनपद में सतर्कता बढ़ती जा रही है। सभी थानों पे अधिकारियों द्वारा फुट पेट्रोलिंग की जा रही है। मेरे द्वारा भी सभी चौराहे की ड्यूटियों को ब्रीफ किया गया है। इसमें पूरा जनपद अलर्ट मोड में है। कोई भी अराजक तत्व जो माहौल बिगाड़ने की कोशिश करेगा उसको सख्ती से निपटा जाएगा। अभी तक वैसे कोई इश्यू सामने आया, शांति स्थिति सामान्य है और हम सबसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अफवाहों पर ध्यान न दें। सोशल मीडिया पर जो अफवाह है उनका यूपी पुलिस ट्विटर हैंडल से खंडन किया जाता है, उसको फॉलो कर। अतीक अशरफ की हत्या के मामले में दूसरे दिन भी शहर पश्चिमी में चौकसी बढ़ाई गई है। इलाके में इंटरनेट सेवाएं बंद हैं। इसके अलावा कई इलाकों में दुकानें भी बंद कर दी गई हैं। वहीं कई इलाकों में अघोषित कर्फ्यू जैसा माहौल बना हुआ है। बता दें कि माफिया अतीक अहमद और अशरफ को रविवार को देर शाम प्रयागराज के कसारी मसारी कब्रिस्तान में दफना दिया गया है। यूपी में एनकाउंटर मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। सुप्रीम कोर्ट के वकील विशाल तिवारी ने इस मामले में याचिका दाखिल कर जांच की मांग की है। साथ ही याचिका में साल 2017 से अब तक यूपी में हुए 183 एनकाउंटर की भी जांच की मांग की है। साथ ही इस याचिका में सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की निगरानी में जांच कराने की मांग की गई है। याचिका में कहा गया है कि पुलिस कस्टडी में ऐसे हत्याकांड या फर्जी मुठभेड़ के बहाने हत्या की वारदात कानून के शासन का उल्लंघन है। ये अराजकता लोकतंत्र के लिए गंभीर चुनौती है, इसलिए इसकी सही से जांच होनी चाहिए।
रायबरेली में तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार को टक्कर मार दी है। इस दौरान एक युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, वहीं दूसरे की हालत गंभीर है। दोनों युवक मोटरसाइकिल से डीजल लेने के लिए शिवगढ़ जा रहे थे। स्थानीय लोगों की मदद से घायल को नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां उसकी हालत गंभीर होने पर उसे अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और ट्रक की तलाश शुरू कर दी है। ये मामला शिवगढ़ थाना क्षेत्र के बेंडारू गाँव का है। क्या परिचय है सर? मैं डॉक्टर राकेश पांडे, सीएससी शिवगढ़। सर क्या एक कोई मामला है, एक्सीडेंटल मामला, क्या है मामला पूरा सर? जी, रात में 108 एम्बुलेंस से दो लोगों को लाया गया है। ये कहीं पे रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ था। एक का नाम है विकास और दूसरे का नाम है दिनेश। दिनेश तो ब्रॉड डेड था, उसकी मौके पर ही मृत्यु हो गई थी। और विकास की स्थिति बहुत खराब थी। उसका प्राइमरी मैनेजमेंट करने के बाद तत्काल उसको जिला चिकित्सालय रायबरेली के लिए रेफर कर दिया गया। का नाम है नंदलाल, कहाँ के रहने वाले? मोहिया पिंडौली। क्या घटना हुई है आपकी? ये यहाँ भवानी का डीजल आने आए थे, यहीं से वापसी लौट रहे थे, तो ट्रक से इनका एक्सीडेंट हो गया। कौन है ये? ये हमारे चाचा के लड़के हैं, हमारे भाई। क्या नाम है? दिनेश। हाँ। ये था विकास, वो मतलब गाँव भी था। और ये अरे वो खत्म हो गए कि नहीं? कौन खत्म हो गए? वो दिनेश। हाँ, और दूसरा? दूसरा विकास है, वो रात वेले फोन करती। कैसे जानकारी हुई थी तुमको? जी, हमें फोन आया था बाद में, तो हम लोग आए। कहाँ लाए हुए हैं? सरकारी अस्पताल भवानी। रायबरेली में संदिग्ध परिस्थितियों में गांव के बाहर तालाब के किनारे एक युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया। गांव वालों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया और मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। वहीं शव की पहचान गांव खैरहनी निवासी के रूप में की गई है। वहीं अगर परिजनों की माने तो युवक को किसी का फोन आया था, जिसके बाद वो वहां से चला गया, लेकिन लौटा नहीं। परिजनों ने हत्या की आशंका जताते हुए कहा कि हमारे जीजा की हत्या की गई है। ये मामला जब आज पत्नी उनकी जब उनका जगाया गया तो उन्होंने कहा कि जो है कि चेला जब कहा गया बात हुई थी तो कहा उन्होंने कहा कि जो है कि 12 बजे बात हुई है इनसे कि हम यहाँ चेला के यहाँ हैं। चेला कौन है? चेला ये तो देसराज। कहाँ रहता है देसराज? रहने वाले पिछली खेड़े के हैं, रहते हैं यहाँ हमारे गाँव के ताल के। फिर तो सर जी उसकी बात में बात उसी से हुई, उनकी बात में हम लोग जाने हैं 7 बजे सुबह, तो दौड़े। आज सुबह डेड बॉडी कहाँ मिली? डेड बॉडी मिली वहीं ताल से, सड़क से थोड़ा नीचे। क्या लग रहा है आपको, किसने मार दिया? तुम घर आ रही चलो। बेटा क्या नाम है आपका? रोली। रोली, कौन थे आपके जो? ये हमारे जीजा हैं, मामा के दामाद हैं। मामा के दामाद? कब से हुआ है, कौन कुछ जाने हैं आपको? आप लोगों की जानकारी कैसे हुई? आप लोगों क्या कैसे हुई? मौत फोन आया था, उन्होंने बताया कि जीजा का एक्सीडेंट। अच्छा अच्छा अच्छा। और दीदी जी कहाँ है आपकी? दीदी खैरानी में है, आ रही थी लेकिन वहाँ सब लोगों ने रोक दिया। अच्छा, अभी के लिए उत्तर प्रदेश की खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।